कोरोना वैक्सीन पर सबसे बड़ी खबर, कोविशील्ड और स्वदेशी कोवैक्सीन को आखिर मंजूरी। मोदी बोले, हर भारतीय के लिए गर्व की बात। कोरोना वैक्सीन के लिए देश के लोगों का इंतजार खत्म हो गया। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी। जायडस कैडिला हेल्थ केयर की जायकोव डी को फेज 3 ट्रायल की मंजूरी दी गई। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई। कोरोना पर बनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने शनिवार को भारतीय बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सशर्त मंजूर देने की सिफारिश की। शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को भी इसी तरह की मंजूरी देने की सिफारिश की गई। दोनों को मंजूरी मिलने से अब उम्मीद जताई जा रही है कि इसी हफ्ते से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरू हो जाएगा। तैयारियों को परखने के लिए पूरे देश में इसके लिए वैक्सीनेशन ड्राई रन भी शुरू हो चुका है।